स्मॉल इंस्टेंट टाइम के बारे में हम लोग दो तीन बातें पढ़े थे। मेन मेन चीजें कि स्मॉल इंस्टेंट टाइम का लेंथ 7.5 मीटर होता है। स्मॉल इंस्टेंट टाइम को हम लोग स्मॉल वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो ट्यूब है उसका डायमीटर कम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉल इंस्टेंट टाइम होता है वो किस तरह से होता है, क्वाइल्ड जैसे हमने बताया था पेन में स्प्रिंग होता है उसमें होता वैसे ही होता है। फिर इसके अलावा ये भी बताया था कि जो स्मॉल इंस्टेंट टाइम होता है केवल नाम स्मॉल इंस्टेंट टाइम है लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन का काम यहाँ पे होता है। इसमें हम लोगों ने कहा था कि एक ग्लैंड भी होता है, उस ग्लैंड का क्या नाम था, गैल ब्लैडर। तो हो गया था कि जिसमें बाइल जूसेस जो है कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, ठीक है। सबसे एक बताया था हमने लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी लीवर, और लीवर जो है ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, और उसी का कलेक्शन होता है गॉल ब्लैडर। और ब्लैडर का मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है, किस तरह का शेप होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें बहुत सारे ये जो क्या होता है, ये जो जूसेज होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है, ठीक है। तो वो हो गया था, उसके आगे देखते हैं कि क्या चीजें हैं। अब आगे क्या, पहले उसके बीच में कुछ आगे ये लिखा हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, द पैंक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जैसे एक तो हम लोग पढ़ लिए थे तुम्हारा लीवर, लीवर भी एक ग्लैंड था। ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी ना किसी टाइप के जूसेज को सीक्रेट करते हैं। तो बाइल जूसेज जो दो तीन हम बता रहे हैं ना कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ब्रेक डाउन करने का, तो एक है इसमें जैसे बाइल जूसेज क्या करता है, वो किस चीज को ब्रेक करता है, फैट्स को। फैट का डाइजेशन बाइल जूसेज से होता है, ठीक है। तो याद रहेगा नीदा, बाइल जूसेज किस चीज को डाइजेस्ट करेगा, फैट्स को, ठीक है। उधर उसके बगल में खड़ा करो, उधर बाइल जूसेज किसको डाइजेस्ट करेगा, हाँ बस यही ध्यान देना है, सुनते रहना थोड़ा बहुत। उसके बाद आता है द पैंक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, क्रीम तो समझते हो ना, तो क्रीम कलर का ये लार्ज जो है ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैंक्रियाज, ठीक है। मेरा शर्ट लगभग क्रीम में आ जाएगा ना, नहीं आएगा, और थोड़ा सा नहीं तो बहुत ज्यादा, अच्छा ठीक है। तो क्रीम कलर का होता है पैंक्रियाज और स्टमक में ही होता है, जस्ट बिलो द स्टमक लिखा है, स्टमक से थोड़ा सा नीचे। द पैंक्रियाटिक जूसेस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो पैंक्रियाटिक जूसेज होता है वो तीनों का इसमें नाम दे दिया है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में भी डाइजेशन में काम करेगा, फैट्स में भी और प्रोटीन्स में भी, ठीक है, और इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करेगा। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। उसके बाद ये जो है स्मॉल इंस्टेंटाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है, ये जितने भी ये जूसेज हम लोग पढ़े पैंक्रियाटिक जूस बाइल जूसेज, तो ये डाइजेशन का ऑलमोस्ट जो काम है पूरा हो जाता है, और ये कहाँ पहुंचता है, डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ध्यान देना,
जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होता है तो किस किस चीज में ब्रेक होता है, ये टूटता है? ग्लूकोज, फैट्स, पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होगा ग्लूकोज और फैट्स जैसे चीजों में, और फिर ये क्या होता है कि ध्यान से सुनो फिर से, कार्बोहाइड्रेट्स होगा ग्लूकोज में और फैट्स होगा फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट दो चीज में टूटेगा, किसमें किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इन द एमिनो एसिड्स। प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन होता है? पीछे लड़का मॉनिटर क्या कर रहा है, फिर से ध्यान से सुनो, इसमें कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है तो ग्लूकोज में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट किसमें जाएगा? और साथ में लिखा है फैट जो होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल याद रहेगा, एंड प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड, प्रोटीन का ब्रेकडाउन एमिनो एसिड में। तीनों समझ गए? देखो इससे पूछते हैं, तुम बताओ कौन कौन किस में ब्रेक होगा, फैटी एसिड किसमें ब्रेक होगा, तुम बताओ तुम क्या समझे? फैट होगा ब्रेक डाउन फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट्स तो तुम्हारा शुगर में या ग्लूकोज में होगा, ग्लूकोज में, और प्रोटीन एमिनो एसिड्स। अब समझ पाए? ध्यान से सुनो बैठो, प्रोटीन होगा एमिनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल, और कार्बोहाइड्रेट्स सुगर, ठीक है ना, लाइक सुगर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप उसके आगे पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन। देखो एब्जॉर्ब मतलब होता है सबसे सोखना, ठीक है, तो जो भी हम लोग फूड इंटेक करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उस फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स तो बताए थे, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब तुम्हारे क्या है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, या उसी को कहा जाता है क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो जब तक हम मान लेते हैं हमने फूड खाया, और फूड खाने के बाद उस न्यूट्रिएंट का हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा बॉडी, तब तक क्या होगा, फूड खाना बेकार है, मतलब खाए पिए सब कुछ खा लें लेकिन वो देह में ना लगे, है तो ऐसा है, खा के बस खाली बाहर कर दिया जाए तो वैसे नहीं होगा, नहीं मतलब बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तभी वो क्या होगा हमारे शरीर में लगेगा। तो उसी में है, फिर से सुनो आगे, एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ गए, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंस्टेंटाइन। इंस्टेंटाइन के जो वॉल होते हैं, दीवार होती है, उसके ब्लड वेसल्स में क्या होता है, फूड अब पहुंच रहा है, पास कर किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जब ब्लड वेसल्स में पास करेगा, फिर से सुनो ध्यान से, दो दो लड़के जो है सर हेड डाउन किए हुए हैं, फूड जो है अब स्मॉल इंस्टेंटाइन का जो वाल है, वाल के बाद कह रहा है ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स से पास कर रहा है, और वहां पे उसके जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। फिर से सुनो, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन है थाउजेंड्स ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या आउटग्रोथ्स व्हिच आर कॉल्ड विली, विली पढ़ो या विलाई पढ़ो, सिंगुलर है विलस, ठीक है।
तो ये जो विली होता है वो क्या है, जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है उसमें उंगली तुम्हारा जैसे होता है ना फिंगर उंगली, तो हमारे उंगली जिस टाइप से है उसी तरह से उसके वाल पे क्या है बहुत सारे आउटग्रोथ है, यानी प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन यानी बाहर निकला हुआ, वो जो प्रोजेक्शंस यानी अपनी फिंगर ऐसे कर दो ऐसे ऐसे और वो जो है बहुत सारे इस तरह का शेप बनेगा, तो वैसे ही आउटग्रोथ है आउटग्रोथ मतलब बाहर क्यों निकला हुआ उसकी दीवारों, उसी को विली बोलते हैं या BILLI ठीक है। तो ये जो विली होता है क्या होता है समझ गए, विली आर द प्रोजेक्शन प्रोजेक्शंस या उसको लिखा है आउट ग्रोथ ऑन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन यानी जो हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन है स्मॉल इंस्टेंटाइन उसके इनर वॉल पर आउट ग्रोथ होता है जिसका शेप कैसा होता है फिंगर लाइक, उसी को विली कहते हैं, याद रखना एग्जाम में आ सकता है। ब्लड वेसल्स, वेसल्स क्या चीज होता है, वेसल्स का हिंदी में क्या कहते हैं कंटेनर या बर्तन, क्या कहते हैं कंटेनर या बर्तन, यूटेंसिल भी होता है ना, तो वेसल्स का मतलब जिसमें वो चीज रखा जाता है, तो ब्लड वेसल्स का मतलब है कि ऐसा वेसल्स ऐसा बर्तन जिसमें ब्लड रखा जाता है, और ब्लड कहाँ रखा जाता है आर्टरी और वेन्स में, ठीक है हाँ, इसके अलावा उसी में फ्लो करता है, तो ये चीजें हैं। नाउ कैन यू गेस व्हाट रोल ऑफ द विली कुड बी इन द इंस्टेंटाइन, अब क्या तुम लोग गेस कर सकते हो इस विली का क्या काम है, तो भाई एब्जॉर्प्शन वर्ड एक बोला ना और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ज्यादा से ज्यादा विली होगा तो वो क्या होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया समझता है नहीं खाली जगह बताते हैं, एक मान लो पेपर जैसे पेपर पेपर को चाहे क्यूब शेप में बना दे या स्क्वायर शेप में बना दे, उसको हम किसी टेबल पे या उस पे रखें तो कितना स्पेस घेरेगा, जैसे इसमें से कोई रख तो इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, अब फोल्ड करके यहाँ पे हमने इस टेबल पे रखा तो रखेंगे ना, तो ये तो थोड़ा राउंड है ना, तो ज्यादा ज्यादा इतना थोड़ा सा जगह इस बेंच पे घेरेगा नहीं, तो इसका सरफेस एरिया बस जितना ये इस सरफेस पे या सतह पे या प्लेन पे जगह ले रहा है वही इसका सरफेस एरिया, अभी इसी को फैला दिया जाएगा, देखो अब कितना जगह घेरेगा, अब इतना जगह घेरना है, लेकिन अभी इसको मैं फोल्ड कर दे रहा हूँ तो अब जगह क्या होगा कम घेरेगा ना, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या फायदा, देखो अभी जैसे बाल वाला कटाने जाओगे ना नाव के यहाँ तो देखना वो क्या करता है ना स्प्रे करता है, स्प्रे से बाल खुलने का, अब पुराने वाले जो हजाम होते थे तो पानी लेकर निकाल देते, तो अगर पानी गर्म भी होगा ना गर्म होगा तो गर्म लगेगा ठंडा होगा तो ठंडा लगेगा, लेकिन जो स्प्रे वाला गर्म भी पानी होगा ना स्प्रे से जब मारता है तो क्या होता है छोटे छोटे बूंदों में टूट जाता है और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एक बार स्प्रे करता है फुहारे टाइप में पूरा फैल जाएगा तो वो पानी सबको ठंडा लगेगा, जाड़े में तो स्प्रे करेगा तो लगेगा कि हाँ भाई पूरा दिमाग मिला देगा, गर्मी में भी थोड़ा गर्म पानी भी होगा स्प्रे करेगा तो ठंडा ही रहेगा मतलब उतना गर्म नहीं लगेगा, तो उसमें भी क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तुम लोगों ने कभी ट्राई करना जाके घर पे चाय पीते हो तो क्या होता है चाय अगर थोड़ी गर्म होती है ना थोड़ी सी तो बहुत टेस्टी लगता है, और चाय बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो चाय मजा नहीं आता, क्यों नहीं मजा आता है टेस्टी क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जब हम लोग चाय गर्म चीजें पीते हैं ना तो हमारा जीभ के सरफेस एरिया यानी कि सतह पूरा फैल जाता है, ठीक है सरफेस एरिया पे पूरा फैल जाता है तो टेस्टी लगता है, लेकिन ठंडा रहता है ना तो पूरा फैलता नहीं है, जहाँ पिए तो बस वहीं रहेगा,
तो इसलिए क्या होता है वो टेस्टी नहीं लगता। तो यही है सरफेस एरिया का कमाल, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा होने पे क्या होता है, एनर्जी कम होती है। और वो दूसरा एग्जांपल देते हैं सरफेस एरिया का, तुमको मान लो अभी स्कूल बस आ गई स्टॉपेज पे, तुम्हारे घर के पास ऊपर स्कूल चल जाती है और चाय नहीं पियो, तुम्हारे मम्मी ने कहा कि लो लो जल्दी चाय पी लो बस छूट जाएंगे, अब तुम क्या करोगे। अगर कप में मान लो तुमको चाय दिया गया, ग्लास में दिया गया, एक कोई कटोरी में दिया और किसी ने थाली में दिया, कौन सा जल्दी क्यों सरफेस एरिया बढ़ गया, थाली में जैसे ही डाला जाएगा ना सरफेस एरिया बढ़ा वो तुरंत से ठंडा हो जाएगा पूरा भाप निकल करके बस कूल, कप में ना पीते रह जाओगे क्योंकि उसका सरफेस एरिया है कम, तो वो क्या होगा हीट बाहर नहीं निकलेगा। तो सरफेस एरिया समझ गए होगे ना, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा हीट को एब्जॉर्ब करने में आसानी, तुरंत से वो जो है बाहर हो जाएगा निकल। तो वैसे ही यहाँ पे व्हीली का काम यही है स्मॉल इंस्टेंट टाइम में, कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा विली रहेंगी, नंबर ऑफ विली जो होंगी ज्यादा होंगी तो जो हम लोग के फूड में न्यूट्रिएंट्स है ना तो उसको एब्जॉर्ब जल्दी करेगा, अच्छी तरह से करेगा, ठीक है। समझ गए विली, विली या बिलाई, विली का हो गया वी आई डबल एल आई ही आई है, ठीक है। हाँ हिंदी में क्या, हिंदी में भी वही कहा जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे देखो द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, पहले ही बता चुके हैं कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स बताया, वेसल्स मतलब उन्होंने बताया बर्तन, एक तरह का हम बर्तन में कुछ चीज रखता है या कहीं नहीं रखता है, तो ब्लड वेसल्स है यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें ब्लड रखा जाता है, तो उसके थ्रू क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है टू द आवर बॉडी, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। वहां पे भेजा जाता है जहाँ पे जैसे मान लो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वहां भेज दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है सेल्स में ब्रेक डाउन यानी कि टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक डाउन होता है यानी टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो समझ में आया, मतलब रहेगा ग्लूकोज, खाना आप लोग खाए ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज कैसे मिला होगा, जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ होगा, तो जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ होगा तो ग्लूकोज या शुगर, शुगर का केमिकल फॉर्मूला पता है क्या होता है, नहीं पता है, अच्छा अभी निकाल देते हैं। और ग्लूकोज का C6H12O11, C6H12O11 चीनी का क्या होता है, जस्ट इसका डबल होता है, ठीक है। अभी निकालते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया तो किस में चला गया, ग्लूकोज ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी। इक्वेशन हम बोर्ड पर लिख देते हैं, बताते रह जाएंगे तुम लोग भी कॉपी में लिख लो नोट्स, अभी तो हम नहीं लिखा, अभी पढ़ा ही रहे हैं, नोट्स जो है बाद में लिखा देंगे। देख लो क्या क्या बताया गया, ग्लूकोज, अभी चूंकि केमिकल फॉर्मूला तुम लोग को याद नहीं होगा इसलिए ग्लूकोज किसके हेल्प से ये टूटा, ऑक्सीजन के,
और किसमें किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, वाटर फिर एनर्जी, इसमें ब्रेक डाउन हुआ। याद रखना, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड, तो यही एनर्जी जो होती है हमारे बॉडी को डिफरेंट फंक्शन यानी कि वर्क करने के लिए क्या करती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो फूड से हम लोगों को मेनली जैसे हमने बताया फूड के तो बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन ये तीन मेन मेजर कंपोनेंट्स बताए, तो जिसमें से ये कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में कन्वर्जन हुआ, ग्लूकोज ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मिली। अब बात आती है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहा जाता है, तो वो चला जाता है लार्ज इंस्टेंट, ठीक है, लार्ज इंस्टेंटाइन में चला जाता है, समझ में आया? अब उसको देखते हैं उसके बाद क्या होता है लार्ज इंस्टेंटाइन में, उसको समझते हैं।